कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लीना, और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है। जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं, तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान भाइयों बहनों किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है, और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर